बेगवाल के अनाथ आश्रम के धार्मिक समागम करवाया गया। इतने बेगवाल विखे बाबा मोती राम मेहरा अनाथ आश्रम सरबत के भले की कामना करद स्थापना मौके श्री अखंड पाठ साहब जी के पाठ के भोग पाए गए। उपरंत प्रसिद्ध रागी जत्थिया ने आईया संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन नाल निहाल किया। इस मौके इन्हां समागमां च वड्डी गिणती च संगतां ने हाजरी भरदे होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सजदा किया। सरबत दे भले दी अरदास करन उपरंत गुरमत समागम दौरान पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थे भाई जबरदोड़ सिंह जी श्री दरबार साहिब वाले ढाडी सरजीत सिंह वारस कथावाचक भाई सरबजीत सिंह ने आईया संगतां नूं निहाल किया। इस मौके एमरजेंसी सेवावां लई आश्रम वल्लों एक एंबूलेंस लोकां दी सेवा च हाजर कीती गई अते इस दौरान एंबूलेंस दा नंबर भी जारी कीता गया। उन्हां आख्या कि यह एंबूलेंस लोकां दी सेवा विच हर समय हाजर रहेगी। इस मौके गलबात करदिआं अनाथ आश्रम दे मुख सेवादार कश्मीर सिंह साही ने की कहा। दूर दराड़े तो वेख रही सारिया संगतों का धन्यवाद आ। अज जिहड़ा आपां समागम किया गुरम समागम से बहुत ही वधिया तरीके नेत्रे चढ़िया आ। इस समागम दे विच एक आपां एंबूलेंस जारी की है जिहड़ी कि मेरा दोस्त आ जगरूप सिंह USA दे विच वसदा आ। उन्होंने ये जिहड़ी एंबूलेंस आ ये बच्चों वास्ते इलाके वास्ते भेट की आ। ये एंबूलेंस किसी भी गरीब नूं जरूरत होवे कोई भी बंदा गरीब होवे अमीर होवे किसी एमरजेंसी जरूरत है वो एंबूलेंस तो का फायदा उठा सकता है। होर कड़ी सेवावां जिहड़ियां इस अनाथ आश्रम में चल रही है और किस तरह सेवावां जिहड़ा तुसीं अगे तोर रहे हो? देखो ये जिहड़ियां सेवावां अगे तोर रही ने सारियां संगतां दे सहयोग नाल ही सब कुछ चल रहा है। जे कोई कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता ये सेवावां जिहड़ियां ने ये सारी संगत दे सहयोग नाल चलदियां ने। खास करके मेरे दो तीन दोस्त आ अमेरिका दे विच एक पीटर भाजी ने एक नाल जगरू भाजी ने होर भी मेरी संत बाबा प्रेम सिंह वैलफेयर सोसायटी के मित्र ने वो सारे मेरे नाल मेरा साथ देंदे ने। असी ये जिहड़ियां सेवावां ने ये करदे आ। पिछे सानू लोड़ पई सी जनरेटर की सो पीटर भाजी ने सानू जनरेटर की सेवा की 5.5 लाख का आया सी। हुण सानू लोड़ सी एंबूलेंस की बहुत जरूरी सी क्यों साडे इलाके विच एंबूलेंसां पहलां भी है ने पर अंबर च कई बार लोड पैन तो नहीं सी मिलदी। असी इस चीज़ तो देख के असी जरूरी समझी समझिया कि एंबूलेंस की लोड़ है आश्रम में क्योंकि साढ़े अपने भी बच्चे 60-65 बच्चे ने जिन्हों कोई ना कोई बीमार रहा है तो इलाके दे विच भी जे किसी जरूरत हो सानू संपर्क करो साढ़े नाल असी सेवा जरूर देंगे। 84 270-6400-2 सानू कॉल कर सकते हो। एंबूलेंस उत्ते भी नंबर ऑलरेडी लिखे हुए ने सो साडे बोर्डां दे भी नंबर लिखे हुए ने। मेन नंबर साडा जिहड़ा 84-270-6400-2 ते तुसीं कॉल करके साडे कोलों इह सेवा लै सकदे हो। अज दा जिहड़ा धार्मिक समागम किस पंच करवाया गया? इह जी सरबत दे भले लई कराया गया। साडे आश्रम दे विच साल दे विच कई उतरा चढ़ा आउंदे ने दुख सुख आउंदे ने कई शरीर चढ़ाई कर जाते हैं तो इन्हों वास्ते इस करके साल च एक बार जरूर कराई दा क्योंकि जो शरीर को चढ़ाई कर जाता असं सुखमनी साहब का पाठ करा के अरदास करा दें सो अखंड पाठ साहब नहीं कराया जाता उदों इस करके साल च एक बार जरूर समागम रखते हैं सरबत दे भले लई। बटाले तो इन्ह की बहुत वड्डी सेवा ये बच्चों इत्थे महीने च 2 बार ही आते हैं तो इन्हें ट्रीटमेंट करते हैं आन के असं बहुत धन्यवाद करते हैं इन्हों का। अही नाम भी इतने होइए एक मेरे सतविंदर सिंह भाजी ने एक लखविंदर सिंह भाजी ने तीन बंद पक्की ड्यूटी लगी है जी। एक सरपंच साहब आ साडे इत्थे आए इन्हां दे नाल उन्हां दा बड़ा बड़ा वड्डा योगदान है। उन्हां दी सेवा बालन दी आ वो बालन सारा इत्थे सैट करके दे के जांदे ने। डॉक्टर साहब ने ये आउंदे ने इत्थे सारिआं नूं मरीजां नूं दवाइयां टीके तुसीं देखिआ होणा है अपना यूट्यूब दे उत्ते इन्हां तकरीबन महीने च 1-2 बार आण के ते इह सेवा निभाउंदे आ। बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ डॉक्टर साहब दा। एक डॉक्टर साहब साडे आ दंदा दे आए ने मुत्रा साहब बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा भी तुसीं आण के जो इन्हां दा गाय बगाए आण के दंदा दा चैकअप करदे हो बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी सारिआं दी। लिविंग इंडिया दा थैंक्स। भाजपा साहब पहलां तुहानूं इत्थे आउण जीआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो सेवा चल रही है इत्थे अनाथ आश्रम बाबा मोती राम जी मेहरा जो ये ट्रस्ट बनाया गया सरदार कश्मीर सिंह साही और उन्होंने दोस्त जगरू भाजी और पीटर भाजी और संत बाबा प्रेम सिंह वैलफेयर सोसायटी USA जिन्हें भी इन्होंने मित्र ने और इलाके की धन संत बाबा प्रेम सिंह की नगरी बेगोवाल के जिन्नी भी साध संगत है
उन्हां सब वालों रल के इहदा उपराला किया जाता। इत्थे जिहड़े बुद्धिहीन बच्चे ने, बजुर्ग ने, मावां ने, भैणां ने जां अंगहीन ने, उन्हां दी मदद की जाती है। अज धार्मिक समागम गुरमत समागम रखा गया सी, साल बाद हर 22 तरीक नूं हुंदा जो साहिब साहब बाहर आते हैं। और इलाके बड़ी इस गल का माण भी है। वैसे तो चलो अनाथ आश्रम नहीं होने चाहिए, पर जेकर लोड़वंदा की लोड़ पूरी की जाए तो वह साहिब साहब के हिस्से आई है, तो ये लोगों की लोड़ पूरी कर रहे हैं। हुण जिस तरह के एंबूलेंस इन्होंने एक तैयार की है, ये भी इलाके एक चंगी गल है। जो किसी लोड़ पेगी गाहे बगाहे नेरे सवेरे तो वो अपनी लोड़ पूरी कर सकता है। इस गल का भी इन्हों का धन्यवाद भी करते हैं और इन्होंने इस गल की बधाई भी देने कि पूरी सेवा कर रहे हैं मन तन धन के नाल। तो सब संगत सब तो पहले मैं फतेह बुलाऊँगा जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दूजी जो है सेवावान भाई सरदार कश्मीर सिंह जी कर रहे हैं, बहुत शलाघा योग ने। अज भी जी इन्होंने एंबूलेंस की सेवा की आ इलाके बहुत वड्डी देन आ, जां तां कि किसी वेले किसी गरीब दे कोलो कोई इहो जिहा कन्विंस नहीं हुंदा तो एमरजेंसी अपनी कोई मरीज़ नूं इधर उधर ले जा सके। ये बड़ी वड्डी देन है जो इन्होंने अज एंबूलेंस मुहैया कराई आ। मैं इन्हां दा और सारी संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ और फतेह बुलाउंदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।